अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या चल रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शकीर व्लॉग वन। जी आज हम लोग निकल रहे हैं वाशु वैली के लिए। तो उधर ये ट्रैक बहुत गंदा है, तो गाड़ी नहीं जाएगी, आम फोर व्हीलर जाती है, तो हमारे पास दूसरी है, तो उसके लिए ऊपर जीप जाती है। तो आज की नाइट जो स्टे करेंगे आप उधर के व्यू दिखाएंगे, बड़ा नाम सुना है वाशु वैली का, तो देखते हैं आज विज़िट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको सारा व्यू दिखाएंगे क्या क्या है उधर, क्या क्या चीज़ नहीं। जी हम लोग जीप में बैठ के हुए हैं, तो जैसे आपको बताया कि ऊपर जीप भी जाती है, आम चीज़ नहीं जाती। तो जी फाइनली जीप में बैठ के हुए हैं, तो ऊपर फोर व्हीलर जाती है या जीप जाती है, आम गाड़ी नहीं जाती। तो फाज भाई घोड़ा बन चुके हुए, फाज भाई पैदल आएंगे पीछे। तो जी हालत भाई जी, मज़ा आ रहा है जबरदस्त। कितनी देर बाद जीप का सफर करने लगे आप? मैं तो करता रहता हूँ। अच्छा किया माशाल्लाह। जी अली भाई चलो वाशु वैली सारे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम सब चारों भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वाशु वैली, तो आपको जाके व्यू दिखाते हैं ऊपर। ये देखें स्टार्टिंग में इतने अच्छे व्यू मिलना शुरू हो गए हुए हैं, बस ये रिवर इंडस है, ऐसे ही है हालत भाई जी। ये इंडस रिवर है, ये सासा चल रहा है हमारे, बहुत ही डेंजर ट्रैक है, चेक करें। तो दुआ कीजिएगा कि हम सही सलामत जाए, सही सलामत वापस आए। ये देखें ना ट्रैक, छोटा सा ट्रैक है कि एक गाड़ी गुजर सकती है, अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो जहाँ जहाँ खुली होती है उधर खड़ी कर। तो ये देखो ये लोग भाई लोग गए हैं तो वापस आ गए हैं, आगे जाया नहीं गया इनसे, अब ये दोबारा जीप कराएंगे, ये भी दोबारा जाएंगे वापस। ये कौन सा पुल है अभी जान? वाशु पुल। ये फिलहाल इधर से गुजर के जाएंगे हम लोग। ये फ्लाई ओवर है वाशु जाने के लिए, और व्यू भी समझ गए, इंडस रिवर का फ्लाई ओवर है, बहुत ही डेंजरस है। ट्रैक है ये, लेकिन बहुत डेंजरस ट्रैक है भाईजान। ये कितनी देर का ट्रैक है? एक घंटा 20 मिनट सर। भाईजान कह रहे हैं 1 घंटा 20 मिनट का ट्रैक है ये, तो सारा ऐसे बना हुआ टोटल जी जी, इससे भी डेंजरस है। अच्छा इससे डेंजरस अभी आना है, अभी गांव से जा रहे हैं, कहते हैं कुछ नहीं है, ऐसे डेंजरस अभी ट्रैक आना है, आपको वो भी दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है, इंशाल्लाह उधर जाना आप लोगों ने, वो इंशाल्लाह जहाँ वो गौरव नज़र आ रही है आप लोगों को, अभी उधर जाना है, अभी तो आधा सफ़र नहीं हुआ, जहाँ वो बर्फ़ पड़ी हुई है ना हम लोगों ने उधर जाना है। तो अभी तो सिर्फ 25 मिनट का ट्रैक हुआ है, घंटे का ट्रैक पूरा हुआ है, ये चढ़ाई अभी चढ़ती जानी है, बहुत ही ऊँचाई पर आ गया नीचे, जिस रोड से आए हैं रोड मजा नहीं आ रही, तो वीडियो ऐसे ही बनेगी क्योंकि ट्रैक इस तरह का है। अली ते ज़ेन जाया कि मैं ये वाशु वैली स्टार्ट हो गया, ये मैदान है ऊपर, बहुत बड़ा मैदान है ये, तो
कहते कि इतना बड़ा मैदान है, सारा दिन फिरते रहो, दो दिन भी फिरते रहो, ये मैदान उत्तर नहीं होगा। इतना बड़ा पॉइंट है, अल्लाह खुद चेक करें पहाड़ों के ऊपर, इतना बड़ा मैदान है। पशु वैली पहुंच गए हैं, ये मैदान है, देखे ऊपर अल्लाह खुद चेक करें कि पहाड़ नीचे तो पहाड़ नजर आ रहे, ऊपर बहुत बड़ा मैदान है। ये देखें क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, ये अभी इधर ये जीप रुक गई हुई है, आगे हमें ट्रैक करना पड़ेगा पैदल इधर जाने के लिए। ट्रैक चढ़ के आए मैं, सांस फूला हुआ है, ऊपर चढ़ाई चढ़ी है पैदल। तो पहले रूम देखने लगे हैं कि पहले रूम का बंदोबस्त हो जाए, बंदोबस्त करके फिर आगे जो पॉइंट है इधर के वो फेरेंगे, विजिट करेंगे सारे जो जो पॉइंट है। फाइनली हम लोग इधर पहुंच गए ऊपर, जैसे आपको बताया कि रूम देने लगे हैं। हेमा देखा था लेकिन हेमा में ठीक नहीं लगा, बस गुजारे था, लेकिन बहुत बहुत अच्छे हेमे भी है। लेकिन हमें ये ऊपर थोड़ी चढ़ाई थी, पैदल आए हैं तो होटल नज़र आया ऊपर, तो हम लोगों ने ये ले लिया। तो इधर बहुत कम लोग रुकते हैं इधर, लोगों से वो लोग बैठे फाल वो बैठे हुए, तो इधर बहुत लोग कहते हैं कम रुकते हैं, आते हैं चले जाते हैं। काफ़ी फैमिली आई हुई थी जब हम लोग आए इधर, तो वो होकर चले गए हैं, बस कुछ चंद लोग ही हैं या लोकल हो गए इधर के। तो कहते हैं रमज़ान के बाद पहले लोग ही जो इधर यानी कि स्टे कर रहे हो, रमज़ान से पहले यानी कि ओपन ही था क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी इधर। लेकिन जो इधर के व्यू है ना वो नीचे नहीं है, नीचे बर्फ़ पिघल चुकी हुई है, लेकिन ठंड बहुत है नीचे। लेकिन इधर टेम्परेचर रात को है 6-7, बहुत ज़्यादा ठंड है इधर रात को। तो अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे, खाना वगैरह खाते हैं, ये फास्ट भाई जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे बॉनफायर करेंगे हर चीज़ आपको हर पॉइंट दिखाएंगे। इधर एक पॉइंट बताया हमें इन लोगों ने कि इधर जंगल है वो, तो बहुत अच्छा पॉइंट है वो, जंगल के अंदर ट्रैक बना हुआ है, तो वो ट्रैक हम लोगों ने सुबह करना है। ये जो मेरे पीछे पानी आ रहा है ना, ये दरियाए इंडस का जो मैंने आपको रस्ते में दिखाया था, तो इसमें फिश भी है, आगे नज़र आई थी हमें काफ़ी फिशेस वगैरह इसके अंदर। तो ये अभी पानी कम है, ये भी बेसिकली एक पॉइंट है, लोग जब आते हैं ना गर्मियों में तो इधर के जो है ना लोकल वो इसके अंदर चेयर्स वगैरह लगाते हैं, लोग बैठते हैं। अभी पानी कम है क्योंकि ग्लेशियर अभी पिघलना स्टार्ट हुआ है, तो जून जुलाई में इसका जो सही टाइम है वो जून जुलाई में है। आपको व्यू देने की कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे। ये हम लोग पकौड़ा एंजॉय कर रहे हैं जी। फाउल भाई यार ये ना असल में टेस्ट के लिए लगवाया पकोड़ा, टेस्ट करते हैं इनका पकोड़ा जो है ना कैसा है, टेस्ट कैसा है इनका। तो बस ठीक है, इतना खास भी नहीं, बस नॉट बैड, मजे का यार। हाँ तो अच्छा लग रहा है, मौसम बड़ा मजे का, ठंड हो गई है। अच्छी खासी ठंड हो गई है सर, ज्यादा और ज्यादा हो जाएगी। ये नाइट के व्यू है, शाम हो गई हुई है, तो इधर कह रहे हो ना बंदा ना बंदे की साहब, हम आज अकेले हैं। तो माशाल्लाह इधर के लोग बहुत प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं इधर के लोग। ये नाइट के व्यू है, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी हुई थी तो बैठा नहीं जा रहा था, तो भैया को बोला कि लकड़ी लाए बॉन फायर कराए, उसके बगैर हमारे पास बैठा नहीं जा रहा। अच्छा जी, ये हम बाशु वैली में बैठे हैं जी सर, बॉन फायर किया हुआ है, तो चारों तरफ पहाड़ है, सुबह टाइम इसका व्यू दिखाएंगे आपको। अभी तो काफ़ी सर्दी भी है और नज़र भी कुछ नहीं आएगा, सर्दी भी काफ़ी हो गई है और हवा बड़ी तेज़ चल रही है, अगर हवा ना हो तो शायद फिर थोड़ा इसका माहौल और हो जाए। अच्छा मुझे बताएं ये हवा चारों तरफ तो पहाड़ है, हवा कहाँ से आ रही है? चारों तरफ पहाड़ है सर, ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर की वजह से हवा चलते हैं। अच्छा, ताकि शाम के टाइम पर ठंड हो जाते हैं, ताकि वो ग्लेशियर भी पक्का हो जाते हैं, ताकि हवा का जो मस्जिद ग्लेशियर बन जाता है, जो दिन को जो पिघला वो बर्फ जो है
रात को फिर वो कक्कर बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो उसको वजह से हवा चल रहे है। तो इधर से आगे अस्तोर सेट पे एक ट्रैकिंग है सर, कोई 6 दिन के है अस्तोर इधर से। जी जी, इधर से ही ट्रैक करने। तो 6 दिन में अस्तोर पहुंचे के एक ट्रैक है, पैदल ट्रैक है, पैदल ट्रैक, पैदल ट्रैक, पैदल। सही हो गया। तो एक ट्रैक है इधर से आगे दुसई कालपानी में, जो सही कालपानी, कालपानी में वो 7 दिन के ट्रैक है। ठीक हो गया। वो 7 दिन, वो 7 दिन के ट्रैक है सर। बंदा इधर से जाएगा 7 दिन में उधर पहुंचेगा दुसई में। ठीक हो गया, पैदल ट्रैक। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इधर के गाड़ है, हमें पता चला है जी सर, उस गाड़ का हमें कुछ बताएं, वो बर्फ वाली गाड़ है या क्या है, वो देखेंगे तो चलो सुबह, अभी उसके बारे में कुछ बताएं ताकि हम उसको देख सकें। बर्फ में गार है या अंदर बर्फ किस तरह जाता है हमें को पता नहीं है। अच्छा, बर्फ किस तरह अंदर पड़ जाता है पता नहीं है, या कोई पानी जाता होगा या बंदे को पता नहीं चलेगा, इधर पानी आया या कोई बर्फ आया पता नहीं चलते, कहाँ से आता है कैसे आता है कोई पता नहीं है, पता नहीं था कि वो जाने की कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल पैक है। आप जून में आ जाओ वही ठंड रहेगा, जुलाई में आ जाओ वही ठंड रहेगा, सितंबर अक्टूबर में वही ठंड रहेगा। बंदा अंदर जाएगा बाहर निकलने के कारण घंटा बैठ कर नहीं बैठ सकते उधर, 10 मिनट से 20 मिनट तक बंदा उधर खड़ा बैठ सकते हैं, इतने ठंड हो जाते हैं। तो यही है सर। अच्छा, दूसरी बात एक हमने बताई थी कि वहाँ तक जीप जाती है। जी, जीप नहीं जाती सर, जीप नहीं, वहाँ तक जीप जाती है थोड़ी। जी फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हम फ्रेश होकर नीचे आ चुके हुए हैं। तो पानी बहुत ठंडा था, मुँह हाथ धोने को जरा दिल नहीं किया, नहाने को तो दूर की बात। तो बाल वगैरह सेट किए, मुँह हाथ धोया है, तो नीचे आ गए हुए, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद एक ना पॉइंट, पॉइंट के ब्रेकफास्ट का एक पॉइंट है, वो उस उधर जाएंगे इंशाल्लाह, जंगल है इधर। तो देखना ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका हुआ है भाई, लेकर आ रहे हैं। तो इसके बाद एक पॉइंट है, जंगल है भाई। उस पॉइंट का क्या नाम है जंगल वाले, वो जहाँ वो बर्फ है, ग्लेशियर्स गार है वो, उधर 12 महीने ही कुदरती बर्फ है, जून जुलाई में भी आ जाए बर्फ ही रहती है। कहते तो जून जुलाई में अब 10-15 मिनट रुक नहीं सकते, इतनी उधर बर्फ है, वो कुदरती बर्फ है। जी हम लोग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो इधर से वॉकिंग डिस्टेंस है 30-35 मिनट का, वॉक करनी पड़ेगी। तो पॉइंट बहुत अच्छा, आपको दिखाएंगे उसके व्यू भी। तो कुछ दोस्त मिल गया हमें फैसलाबाद के, तो वो भी भाई ब्लॉगिंग करते हैं, वारिस भाई, तो ये दोस्त हैं मेरे। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या चला भाई जान, ठीक है? अभी ये बाशु आए हुए थे, ये भी रात को स्टे किया इन लोगों ने, तो मुलाकात हुई अभी, तो हम इकट्ठे ही जा रहे हैं उधर। हम लोगों का फैन है, हमें चलते को आधे घंटे से भी ऊपर हो गया भाई, लोगों ने बोला कि आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे से भी ऊपर हो गया वो कर रहे, लेकिन अभी तक हमें पहुँचे नहीं हम लोग। ये देखिए बिल्कुल पास आ गए मत्तर को, इधर एक और आए आगे, तो एक और मैदान नज़र आ गया। तो भाई कहते जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे मैदान बढ़ते जाएंगे, ये बहुत बड़ा मैदान है जी। ये हालत में जा रहे हैं आगे, सांस फूलना शुरू हो गया, बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं जी। हालत में कितनी है और अभी आ जाए, ये देखे पानी लगते उस कार में तक पहुंच चुके हैं। तो यही कार है ये देखे। हाँ जी आ जाओ भैया, ये नीचे उतर रहे, ये नीचे जाना लेकिन बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं जा सकते। ये बिल्कुल पहाड़ों के नीचे आ गए हुए जी भैया, इसके नीचे यानी कि वो है, लेकिन आप लोग तो जा सकते हो, हमें जाना मुश्किल है हमारे लिए, ऐसे ही है रहे। लेकिन भाई ने जब हमें बताया था ना, वो कह रहे कि आपको नजर आएगी, लेकिन ये तो अंदर है, बहुत ज्यादा नीचे है ये। मैं देख रहा था सर, मैं देख रहा था है कि तो आपके वीडियो निकाल के। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, वो नीचे है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, नीचे वो बहुत ज्यादा नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन इससे नीचे वो और ज्यादा है। ट्राई किया नीचे, ये देखे ना, ये कुदरती बर्फ है, कदे इससे नीचे जाओगे तो 5 मिनट नहीं रुक सकते उधर, ये इतनी ठंडा उधर। वो नजदीक आ चुके हैं हम लोग, लेकिन जैसे नीचे जाते जाएंगे ये बर्फ बढ़ती जाएगी, लेकिन वो बहुत डेंजरस ट्रैक है, तो
नहीं हम कर सकते उसे अचीव, हमारे शूज उस तरह के नहीं है ट्रैकिंग वाले, तो पिसना बहुत ज़्यादा। जी भाशु से वापसी के लिए निकल रहे हैं, ब्लॉग है।